सो है गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग, कैसे आप लोग। स्वागत है आप सभी का मेरे एक और नए व्लॉग में। और आज मैं आप लोग को दिखाने के लिए आया हूँ माना में भोले शंकर मूर्ति कला केंद्र। और यहाँ भी भाई साहब जो पेंट वेंट काम है लगभग चालू हो गया है। अब मूर्ति आप लोग को देखने में अच्छा लगेगा, लगभग मतलब 50% 60% जो पेंट है ना कंप्लीट होने ही वाला है। तो सोचा कि यहाँ का वीडियो बनाते हैं और आप लोग को अपडेट दें। अपडेट देने से पहले सबसे पहले आप लोग को यहाँ का कॉन्टैक्ट नंबर दिखा दे रहा हूँ, कोई भी क्वेरी करना हो तो आप लोग उस नंबर पर संपर्क कर सकते हो। तो ये देख लो भाई साहब, ये होने वाला है भोले शंकर मूर्ति कला केंद्र का बोर्ड। यहाँ प्रिंट है नंबर, कोई भी क्वेरी करना हो आप लोग को तो आप लोग इस नंबर पर संपर्क कर सकते हो। बाकी लेके चलते हैं भाई साहब आप लोग को मूर्ति कला केंद्र के अंदर। तो ये भाई साहब मूर्ति कला के अंदर का पूरा ओवरव्यू। और जैसे ही भाई साहब आप लोग अंदर आओगे तो आप लोग चारों तरफ नजर फेर के देखोगे तो एक से एक मूर्ति आप लोग को लाइव नजर आएगा। इधर देखो, अभी पेंट का काम जस्ट चालू हुआ है, लगभग मतलब 50% हो भी गया है। आप लोग को दिखाता हूँ, सबसे पहले एक ओवरऑल लुक दिखाता हूँ कौन कौन सा मूर्ति बनाया जा रहा है क्या क्या रूप में, और उसके बाद एक एक मूर्ति को डिटेल में आप लोग को म्यूजिक के साथ दिखाना चाहूंगा। तो ये सब देखो भाई साहब, दोनों तरफ हाथी का फेस बनाया जा रहा है, ऊपर भाई साहब एक नाग भगवान का मूर्ति बनाया गया, बहुत ही बढ़िया। और उसके बाद देखो ये वाला मूर्ति, वैसे ये मूर्ति आप लोगों को बता दूं जो यहाँ के ऑनर साहब थे वो बता रहे थे कि ये मूर्ति अभी खाली है, तो जिनको भी चाहिए आके परचेस कर सकते हो। इस मूर्ति के हाइट के बारे में बात किया जाए तो अब गाइस आप लोग हाइट का अंदाज़ा लगा लो, मेरे पीछे मूर्ति पड़ा है, लगभग इस मूर्ति का हाइट 8 फीट के अराउंड होगा, 7 या 8 फीट के अराउंड। बाकी आप लोग कॉन्टैक्ट नंबर दिखा दें, उस पर आप लोग संपर्क कर सकते हो। तो जो जो खाली मूर्तियाँ हैं ना, सबसे पहले आप लोग को वही दिखाया था, जिनको भी चाहिए वो लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो एक मूर्ति ये भी अभी खाली है, जिसमें पीछे देखो गरुड़ का कितना बड़ा एक फिगर बनाया गया है, और सामने भाई साहब गणपति जी महाराज कितना बढ़िया तरीके से सिंहासन पे विराजमान है। तो भी मूर्ति खाली है। और एक मूर्ति जो ये वाला देख रहे हो, ये भी मूर्ति खाली है भाई साहब। ये देखो तलवार हाथ में पकड़े हुए, एकदम राजा किंग का जो रूप होता है ना, वो उस रूप में इस गणपति जी को बनाया गया है। तो ये भी मूर्ति अभी खाली है, जिनको भी चाहिए आप लोग आके संपर्क कर सकते हो। बाकी ये देखो भाई साहब, इस लाइन में पूरा एक से एक मूर्ति आप लोगों को देखने को मिलेगा। और इस लाइन में देखते हो तो आप लोगों को नज़र आएगा, ये देखो कितना प्यारा एक बालाजी के रूप में गणपति जी को बनाया गया है। अभी पेंट लगभग मतलब 40-50% कंप्लीट है, अभी आँख बनाया जाएगा, ज्वेलरी का जो काम है ना वो सभी होगा। और ये देखो भाई साहब, इस मूर्ति का तो कोई जवाब ही नहीं है, ये बनाया गया है मेरे ख्याल से विष्णु जी का अवतार जो है ना उस रूप में बनाया गया भाई साहब गणपति जी को, कितना प्यारा मतलब मस्त बनाया गया है, एकदम विष्णु रूप में बनाया गया है, तो बहुत बढ़िया है। बाकी आप लोग आगे दिखाऊँ, देखो पेंटों का काम लाइव अभी चल ही रहा है। तो ये था पूरा अपना ओवरव्यू आप लोगों को दिखा चुका हूँ। अब गाइस आप लोगों को एक एक मूर्ति को म्यूजिक के साथ दिखाता हूँ, क्योंकि आप लोग यार म्यूजिक के साथ देखना बहुत ही पसंद है। तो एंजॉय करो आगे का वीडियो।
ठीक है। तो इस मूर्तिकला में जितने भी मूर्तियाँ बनाए जा रहे हैं उसका सभी का एक ओवरव्यू बढ़िया सा आप लोगों को म्यूजिक के साथ दिखाया, आप लोग कमेंट करके तो बताना ही। ये लाइन था अपना गणेश मूर्ति का, जस्ट के पीछे इधर जाते हो तो भाई साहब पूरा का पूरा अपना दुर्गा मूर्ति का काम चल रहा है। अभी इसमें बहुत सारा काम बचा हुआ है तो इसके बारे में आप लोगों को ज़्यादा डिटेल नहीं दिखाएंगे, बस आप लोगों को इन्फॉर्म कर दिया कि दुर्गा मूर्ति भी बहुत क्वांटिटी में यहाँ बनाया जा रहा है। तो अब रखते हैं वीडियो को यहीं तक। आई होप कि आप लोगों को बढ़िया लगा होगा इस मूर्तिकला को देखकर। बाकी नाम नंबर कॉन्टैक्ट नंबर सब कुछ आपको दिखा चुका हूँ, कोई भी क्वेरी करना हो तो आप लोग निसंदेह संपर्क कर सकते हो। बाकी वीडियो अच्छा लगा हो तो यार लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना कौन सा मूर्ति आपको सबसे ज़्यादा बढ़िया लगा। और मैं मिलूँगा फाइनली आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद। और जितने लोग चैनल पर पहली बार आए हैं यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। चलो बाय।